याद रखिए, रोज मुरली में आता है, नोट करना। एक, शिव बाबा कौन? पवित्रता का सागर। शिव बाबा कौन? शांति का सागर, शांति धाम में रहता है। शिव बाबा कौन? आनंद का सागर। शिव बाबा कौन? ज्ञान का सागर। शिव बाबा कौन? दुखहर्ता सुखकर्ता। शिव बाबा कौन? मुक्ति जीवन मुक्ति दाता। शिव बाबा कौन? भाग्य विधाता। और आठवां, दिव्य बुद्धि दाता। ऐसे नहीं जो चाहे प्यार का सागर है, कहां प्यार करता है भगवान, कुछ भी मिक्स कर दिया, भक्ति का पानी कहीं भी नहीं। भगवान का प्योर ज्ञान चाहिए, मिक्स नहीं, सुनी सुनी बातों पे नहीं चाहिए। देखो ये आठवां आपको रोज मुरली में मिलता है। आज भी बाबा ने कहा मैं ज्ञान का सागर हूं, कल भी बताया था, एक एक दिन मिलता है, इकट्ठा करना चाहिए। आठ मुख्य शक्तियां, बाकी छोटे छोटे ठीक है ब्रांचेस। मुख्य शिव बाबा पवित्रता का सागर है, शांति का सागर है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, दुखहर्ता मुक्ति है, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, और भाग्य बनाने के है भाग्य विधाता। तन मन धन समय स्वार्थ कैसे सेवा में लगाना चाहिए, भाग्य कैसे बना चाहिए, विधि बताता भाग्य विधाता। और दिव्य बुद्धि दाता है ना, मंदिर में माता जी जाके क्या कहते, भगवान इस बच्चे को सद्बुद्धि दे दो। मानते तो नहीं मानते हो, बुद्धि है उसको स्वच्छ कैसे करो वो विधि बताता है ना। इसलिए आठ मुख्य शक्ति।